जय हिंद, दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल पोल पोस्ट। अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के वैलन क्षेत्र में रामलीला मैदान पर। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक जैसे और बड़े दिग्गज नेताओं का यहाँ पर आगमन होने वाला है। अभी यहाँ के कार्यक्रम को लगभग 3 घंटे और बचे हैं, 4 बजे ये पूरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो भीड़ है काफ़ी कम नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता भी है कि शायद यहाँ की जनता ने अभी तक बीजेपी सरकार को बहुत ज़्यादा सहमति नहीं दी है। ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो यहाँ के सांसद के कार्य से लगता है कि यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। और अभी तक तो भीड़ की जो दशा देख सकते हैं आप, की कुर्सियाँ काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाली हैं, और प्रोग्राम की जो बात है वो लगभग 2 घंटे बाद शुरू होने वाला है। आने वाले इस 2 घंटे के बाद क्या माहौल होता है इस पूरे के पूरे रामलीला मैदान में, ये 2 घंटे में ही पता होने वाला है। लेकिन यदि बात की जाए तो काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद होगी बीजेपी पार्टी को कि आज हम यहाँ पर एक अच्छा संबोधन प्रस्तुत करेंगे और लोगों का दिल जीत पाएंगे। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और लोगों की भीड़ भी काफ़ी कम दिखाई दे रही है। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर दूर दूर से आने वाले हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि आज एक बहुत बड़े नेता का आगमन है वैलन जिला, सिंगरौली जिले के वैलन क्षेत्र में। ये आने वाले कुछ मिनट कुछ घंटों में ही यहाँ के वर्तमान स्थिति को देखकर ही पता चल जाएगा कि ये जो रुझान होने वाला है किसकी ओर होने वाला है। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट, जय हिंद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।